दोस्तों, मैं सूरज, ये मेरा भाई है अर्जुन यहाँ पे को, और यहाँ पे को सनी है। हम बॉटनिकल गार्डन जा रहे हैं आज, और आपको पूरा दिखाएंगे बॉटनिकल गार्डन में क्या क्या खास है, क्या क्या खास नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। धन्यवाद। गार्डन के अंदर है ये, क्या है अर्जुन? वाटर ले ली है, और मेरे साथ अर्जुन है। इनकी यहाँ पर शॉप है, फर्स्ट वाली शॉप इनकी है। इनको खाने पीने वाली है नीचे, जो मैंने जैकेट पहनने का है, इन्हीं की सॉक्स पहनने का, कॉर्बेट पार्क वाला। यहाँ पे दुकान है इनकी। अब आपकी दुकान में क्या क्या खास है बता सकते हैं? सब कैंडल, कैंडल्स और नैनीताल में कैंडल फेमस है। और आप इसके अलावा क्या क्या बेचते हैं? इसके आगे ये जिम कॉर्बेट की सोवनियर्स सब मिलेगा, जिम कॉर्बेट से रिलेटेड सब इधर वाले। ये देखिए सब कुछ जिम कॉर्बेट से रिलेटेड सब कुछ इनके पास। कैप हो गया आपका, जैकेट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, और ये देखिए बच्चों की भी हैं, की रिंग्स भी अवेलेबल है, वुलन मुझे भी हैं, और लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम है। आपको देख सकते हैं, इयर रिंग्स हो गया आपका, और आपके नोज पिंस, कैंडल्स, सब कुछ अवेलेबल है इनके पास। लकड़ी से बना हुआ है आपको, ये ही बनता है। और ये तो लोकल का ही है, नैनीताल में यही बनता है, हैंडमेड है ये। वुलन भी, ये मुझे भी हैंडमेड है, टूटी हुई, सब कुछ देख सकते हैं आप। तो निकाल कहते हैं ये, तो सर ये पेड़ों की वैरायटियाँ बारे में बताई गए हैं यहाँ पर को, और ये पानी भरा हल्का सा, और हम चल रहे आगे को। म्यूजियम के अंदर इस समय यहाँ पर जो है इंसेक्ट म्यूजियम, तरह तरह के कीड़े मकौड़े इधर पे लोग दिखाते हुए करके। ये देखिए हम इंसेक्ट म्यूजियम के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया गया है। और ये देखिए सभी तरह के कीड़े मकौड़ों को दिखाया गया है, उनके बारे में बताया गया है कौन कौन से कीड़े मकौड़े यहाँ पर को है। और बटरफ्लाई की काफ़ी वैराइटीज़ है, देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं बटरफ्लाई की काफ़ी वैराइटी है, उनके बारे में बताया गया है, उनके नाम, किस किस तरह के बटरफ्लाई यहाँ पर को अवेलेबल होती है, ये आप देख सकते हैं। और आप पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं आप को इस म्यूज़ियम का, किस तरीके से ये म्यूज़ियम बनाया गया है नैनीताल में बॉटनिकल गार्डन के अंदर। तो देखो ये देखिए वुडन की वराइटीज के बारे में बताया गया, किस तरह के पेड़ यहाँ पे होते हैं वो आपको दिखाया गया है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चॉल में जरा देखिए, ये देखिए आप किस तरीके से बताया गया तैयार हो रही है। आजकल होती नहीं है, बड़ा बड़ा होती नहीं है, अच्छा तैयार होती है। ठीक ठीक तितली बननी है आपको, हाथी घास बोलते देखिए। और ये है आपका मतलब बॉटनिकल गार्डन के अंदर आपको लगभग सभी प्रकार के प्लांट देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे को। गुड़हल का फूल देख सकते हैं आप लोगों किस तरह से हो रहा है, और कड़ी पत्ता जो हम लोग अक्सर खाने में डालते हैं वो भी हो रहा है आप लोगों को। देखो प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे धनिया हो रहा है, और अब हम इस तरफ जा रहे हैं, व्यू पॉइंट, वॉच पॉइंट, डोम्स की तरफ जा रहे हैं हम। देखिए अंदर घुस चुके हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी तरह की आप लोग को तितलियाँ बनाई है, कस्टमाइज़ की हुई है, रियल तितली भी हो रही थी आप लोग को, बट उससे अभी बोल लेते कि टाइम लगता है, इस समय होती नहीं है। थक गए भाई साहब देखो कुछ लिखा गया तुम्हें कैक्टस के बारे में, हिमालय बॉटनिकल गार्डन है नयानगर में है ये कैक्टस, सभी तरह के कैक्टस देखने को मिल रहे हैं आपके यहाँ पे को प्लेस में। ये
ये प्लास्टिक के बनाए गए, इसके अंदर गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म। यहाँ से निकलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से पूरा बॉटनिकल गार्डन दिखता है ऊपर से। इसको इस लकड़ी के बनाए गए हैं, देख सकते हो आप। यहाँ से आपको पूरा बॉटनिकल गार्डन दिखाएंगे हम नीचे का, काफ़ी अच्छी जगह है ये भी। पूरा बॉटनिकल गार्डन दिख रहा है यहाँ से। कैक्टस वाला सेक्शन हो गया आपका, यहाँ पर कैक्टस वाला सेक्शन। और नीचे देखिए ये मेन गेट है जहाँ से हम आए थे ऊपर, और सब कुछ इंसेक्ट म्यूजियम भी इसी के अंदर है। और कुछ ताल बनाया गया आप देख सकते हैं।